साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापामारी कर पुलिस ने 9 कुख्यात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 25 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 23 ATM सहित कई अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। गिरिडीह के पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये अपराधी नौकरी देने के नाम पर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर न्यूड वीडियो कॉलिंग से ब्लैकमेलिंग कर या अन्य तरीकों से लोगों को फंसाकर उन्हें चूना लगाते थे। गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध में अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में कल गुप्त सूचना मिली कि साइबर अपराधियों के द्वारा लोगों से ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सूचना पर DSP साइबर श्री सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई जिसमें प्रोबेशनर DSP और थाना प्रभारी साइबर एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। इनके द्वारा गिरिडीह जिलों में अलग अलग स्थानों पर छापामारी करते हुए कुल 9 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 25 मोबाइल, 28 सिम, 23 ATM कार्ड, 17 पासबुक और 4 पैन कार्ड तथा 13 आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं। साइबर अपराधियों में एक चंदन कुमार एक काफ़ी शातिर साइबर अपराधी है जो बजाज फाइनेंस का बैंक कर्मी बनकर काफ़ी लोगों को ठगी कर चुका है। इसने कन्फेस किया है कि इसने अभी तक लाखों रुपए की ठगी की है। इसके साथ ही जो अन्य साइबर अपराधी थे वो नौकरी का झांसा देकर ठगी करते थे और इसके अलावा सेक्सटोर्शन के नाम पर ठगी करते थे और इसी प्रकार साइबर अपराधी के विरुद्ध में जो गिरिडीह पुलिस के द्वारा अभी अभियान चलाया जा रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। पढ़ने लिखने वाले नवयुवक भी इसमें जल्द और कम समय में पैसे कमाने का जो इनका जो लालच है उससे प्रभावित होकर के साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हुए हैं और पुलिस की तरफ से सभी वैसे साइबर अपराधियों के लिए संदेश भी है कि इस अपराध में कुछ भी नहीं रखा है, वह अपराध करना छोड़े और किसी भी प्रकार से जो नवयुवक हैं, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनका जीवन भी बर्बाद ना करें। पुलिस साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तो तत्पर है ही और अगर इस दौरान ये पता चलता है कि वह नवयुवकों को भी झांसा देकर साइबर अपराध में ला रहे हैं तो उनके विरुद्ध में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।